Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says consider a gas of neutrons. Do you expect it to behave much better as an ideal gas as compared to hydrogen gas at the same pressure and temperature? So अगर हम सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात करते हैं देन आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आइडियल गैस को डिफाइन करने के लिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे. नाउ जो भी गैस इन एजम्पशंस को बेटर फिट करेगी दैट विल बी यूअर बेटर आइडियल गैस. जस्ट आपको हाइड्रोजन एंड न्यूट्रॉन गैस को आपस में कंपेयर करना है. नाउ आप देखो कि जो न्यूट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. इट मीन्स जो साइज है न्यूट्रॉन का दैट इज मच लेसर देन द साइज ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. सो वी कैन से जो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो न्यूट्रॉन में ज़्यादा होगा. इट मीन्स जो इंटरेक्शन है इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन वो न्यूट्रॉन में कम होगा. सो दैट्स वाई इट विल बी अ बेटर आइडियल गैस बिकॉज आइडियल गैस के लिए जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो कम होना चाहिए, राइट. एंड आप इस तरह से भी फील कर सकते हो कि जो न्यूट्रॉन है वो तो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता, बट जो हाइड्रोजन है उसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन भी होते हैं एंड प्रोटॉन भी होते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आएंगे. सो उसके कारण भी इंटरेक्शन होगा, राइट, इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है दैट विल बी अ बेटर चॉइस फॉर आइडियल गैस. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन. कीप वर्किंग एट. बेस्ट ऑफ लक. बाय.